कैसे बनाए ग्रिप कोन और कैसे ग्रिप कोन को यूज़ करके बैट में ग्रिप लगाए, ये दोनों चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को ब्रूम स्टिक से स्टिक निकाल लेनी है और हम लोग को देखिए स्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है कुछ इस तरह से। हमें बहुत सारे टुकड़े चाहिए ब्रूम स्टिक के। उसके बाद हमें मुट्ठी में इन सब टुकड़ों को लेना है, वाइट टेप की मदद से इन सब टुकड़ों को एक दूसरे से जोड़ देना है और ये काम हो गया। और अब हमें बड़ा सा ब्रूम स्टिक चाहिए और उस ब्रूम स्टिक को देखिए हम लोग को इस तरह से पेस्ट करना है और यही प्रोसीजर आपको इन सर्कल वे अप्लाई करनी है और आपको टोटल 10 से 12 ब्रूम स्टिक चाहिए इस प्रोसीजर को अप्लाई करने में। ये भी काम हो गया और अब हमें ब्रूम स्टिक के आगे वाले छोर को टाइटली होल्ड करना है। उसके बाद सद्दी से देखिए कुछ इस तरह से हमें इसको बांध देना है। और दोस्तों सद्दी का धागा वही है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पतंग उड़ाने के लिए। और सद्दी को ब्रूम स्टिक के सेंटर में और ब्रूम स्टिक के सबसे नीचे वाले छोर में ही अप्लाई करना है और जो टॉप वाला पोर्शन है उसे हमें ब्लेड की मदद से कुछ इस तरह से छील के पतला करना है। और देखिए इतना पतला करने के बाद अब हमें वाइट टेप अप्लाई करके इसको एक दूसरे मजबूती से जोड़ देना है। और देखिए ये काम हो गया और अब हमें चाहिए पतला कार्डबोर्ड, नहीं तो आप कॉपी का कवर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें ब्रूम स्टिक को इसके ऊपर रख के कुछ इस तरह से हम लोग को कॉपी कवर या कार्डबोर्ड को लपेट देना है। और मैं देखिए एकदम महीन पतला कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और आप चाहे तो कॉपी का कवर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको देखिए वाइट टेप की मदद से कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है और ये करने के साथ साथ ये इतना पोर्शन बन के कम्प्लीट हो चुका है क्रिकेट ग्रिपर कोन का। और अब हमें चाहिए पावर ग्लू और इसे कैसे बनाते हैं मैंने इस पे वीडियो बनाई है और इस वीडियो की लिंक दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अब हमें न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर 2 टाइम पूरी तरह से इस आधे बने हुए ग्रिपर कोन में अप्लाई करनी है। और अप्लाई करने के बाद हमें 1 घंटा इसको रखना है धूप में सूखने के लिए। और देखिए दोस्तों 1 घंटा सूखने के बाद ये काफ़ी मजबूत हो गया है। अब हमें बालू कागज़ से इसको घिस के एकदम परफेक्ट शेप देना है क्रिकेट ग्रिपर कोन का। और देखिए बालू कागज़ से घिसने के बाद इसका देखिए कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और जैसे क्रिकेट ग्रिपर कोन होता है उस तरह से देखिए इसका लुक आ रहा है। और अब हमें इसका नीचे वाला छोर बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए पतला कार्डबोर्ड और उससे हमें पेस्ट करना है फेविक्विक को यूज़ करके। और आप छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ फेविक्विक को यूज़ करने के समय आप सेफ्टी प्रिकॉशन लीजिएगा, अपने पेरेंट्स को बोलिएगा कि फेविक्विक अप्लाई कर दे और कार्डबोर्ड को पेस्ट कर दे। और ये प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है और ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है। और अब चलिए दोस्तों इस ग्रिपर कोन को अप्लाई करके देखते हैं रियल बैट पे कि ये फिट आता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों ये परफेक्टली फिट आ रहा है और टाइटली बैट के हैंडल को होल्ड कर ले रहा है। और अब हमें दोस्तों न्यूज़पेपर की मोटी लेयर अप्लाई करनी है नीचे वाले छोर में जहाँ पे हम लोग ने कार्डबोर्ड को पेस्ट किया था। और आपको कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर ही आपको इस न्यूज़पेपर के मोटे लेयर को अप्लाई करनी है इन सर्कल वे। उसके ऊपर हमें न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर अप्लाई करनी है और ये स्टेप आपको सिंगल टाइम में अप्लाई करनी है। उसके बाद हमें इसको 15 मिनट रखना है धूप में सूखने के लिए। और अब ये ग्रिपर कोन पूरी तरह से बनके कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अब आप सीख लीजिए कैसे हमारे घर पे बनाए हुए ग्रिपर कोन को यूज़ करके बैट में ग्रिप चढ़ाएं।
देखिए हम लोग को सद्दी को कुछ इस तरह से लपेटना है बैट के हैंडल पे, उसके बाद हमें सद्दी को पेस्ट करना है फेविकोल को यूज़ करके। उसके बाद हमें 15 मिनट इसको छोड़ देना है और 15 मिनट बाद अब हमें ग्रिप को अप्लाई करना है ग्रिपर कोन को यूज़ करके कुछ इस तरह से। और देखिए आपको कुछ इस तरह से ग्रिप को ग्रिपर कोन में अप्लाई करना है। उसके बाद आपको देखिए जो ग्रिप को है उसको कुछ इस तरह से रोल करना है। रोल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखिए शेप बना देना है ग्रिप का। उसके बाद आपको बैट के हैंडल में इसको अप्लाई करनी है। बैट के हैंडल में अप्लाई करने के बाद जो ग्रिप है उसको आपको नीचे सरका के बैट के हैंडल में लगा देना है। और जैसे आप देख सकते हैं उसके बाद आपको जो ग्रिप है उसको सरका के नीचे कर देना है। उसके बाद ऊपर खींच लेना है कुछ इस तरह से। और देखिए बैट के हैंडल में ग्रिप लग गया। और अब हमें ब्लैक टेप को यूज़ करके इसको देखिए परफेक्ट लुक और मजबूती दे देनी है। और अब देखिए ये ग्रिपर कोन को यूज़ करके ग्रिप लग गया बैट के हैंडल पे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।